राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले देश भर में उत्सव का माहौल है। इस बीच अक्षत कलश फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में पहुंचा, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र समिति के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने श्री राम मंदिर अयोध्या से आए अक्षत कलश का पूजन अर्चना कर भव्य स्वागत किया। हवन का आयोजन एटा रोड स्थित चौमुखी महादेव मंदिर में किया गया, जिसमें विहिप बजरंग दल एवं भाजपा के तमाम पदाधिकारी के अलावा नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्रजेश चौहान जिला अध्यक्ष ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की ब्रज प्रांत की मीटिंग में कार्यकर्ताओं को यह अक्षत कलश दिए गए हैं और अब यह अक्षत कलश घर घर में बांटे जाएंगे। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण देना है। वहीं भाजपा के नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि 500 वर्षों के पश्चात जो अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस श्रृंखला में शिकोहाबाद के अंदर भी निमंत्रण के स्वरूप अक्षत का वितरण किया जाएगा। जिला प्राचुरक मदन लाल ने कहा कि यह अक्षत कलश आज यहाँ आया है, जिसका विधिवत पूजन किया गया है। आज चौमुखी महादेव मंदिर पर श्री राम लला प्रतिष्ठा समारोह के संबंध में जो अयोध्या से अक्षत आए हैं, उसके कलश का पूजन का कार्यक्रम है। यहाँ पर सभी माता बहनों और पुरुषों के द्वारा जो पूजन हुआ है, यह कलश अब यहाँ से शुरू हो रहा है। सभी भगवान श्री राम का जय जयकार करते हुए और टिकवानी विद्या मंदिर तक पहुंचेंगे और वहां जाकर के एक कक्ष में यह इसकी स्थापना होगी और वहीं से संपूर्ण जिले के अंदर अक्षत वितरण का कार्यक्रम होगा। यह अयोध्या जी में जो भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो रही है, उसी के निमित्त विश्व हिंदू परिषद पूरे भारतवर्ष में अयोध्या जी से आए हुए पूजित अक्षत राम मंदिर का चित्र और पत्रक प्रत्येक घर तक पहुंचाने की योजना है। हमारे संगठन की दृष्टि से शिकोहाबाद जिले में लगभग 516 ग्राम पंचायत हैं, उन प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमें ये अक्षत और ये पूजित सामग्री को पहुंचाना है। इसी के निमित्त यहाँ पर चौकी मंदिर पर यह कलश पूजन का कार्यक्रम हुआ है, जो अयोध्या जी से पूजित अक्षत कलश आया है, उसका पूजन हुआ है और आज से ही हमारा यह कार्यक्रम विधिवत शुरू होगा और पूरे नगर में, पूरे जिले में घर घर हम प्रभात फेरियां निकालेंगे, भजन कीर्तन मंडलियों के द्वारा गली गली घूमेंगे और 31 दिसंबर तक हम ऐसा माहौल बना देंगे कि पूरे जिले को राममय करने का उद्देश्य है। और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रत्येक परिवार में हमारे जो सामग्री आई है, उसको हम प्रत्येक परिवार तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट।